हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल। अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी जेल प्रेरी एग्जाम की। एग्जाम डेट आपको पता है, समय अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं मात्र, और बढ़िया तैयारी कर ही लेनी चाहिए। अब ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आपको कोई पेपर समझा दे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैं इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको। तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर है ये 4 अक्टूबर का, 2018 का, सुबह 9 बजे, यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की पेपर एक्सप्लेनेशन, और देख लेते हैं कौन से पेज पर है ये। आई थिंक पेज नंबर 11 पर है। हाँ, ये आ गया हमारा इंग्लिश। ठीक है, नहीं इंग्लिश निकल गया, एक सेकेंड। यस, तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल बता देता हूँ, तो कई कई बार ऐसा होता है कि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी। न्यूज़पेपर या सॉरी जो पेपर आप एक्सप्लेनेशन लेते हो, ये सिर्फ वीडियो की तरह मत लेके चलिएगा इसको। इसको ऐसे लेके चलिएगा कि आपने इसको समझा है और आपने इसके नोट्स बनाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई लैंड यू सम मनी इफ माई सैलरी हैज़ बिन क्रेडिटेड इन टू माई अकाउंट। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है। आपको पता ही होता है मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वो शब्द होते हैं जैसे कैन, कुड, विल, वुड, ऐसे करके बहुत सारे शब्द होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12। मॉडल वर्ब आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? 12। अब इनमें से कोई एक शब्द आपको लगाना है डैश। अब आप ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए, जब भी मॉडल सॉल्व करें ऑप्शन से आए। आई डैश लैंड यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा। इफ माई सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड, अगर मेरी सैलरी जो है वो बैंक में आ जाएगी या आ जाती है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो क्या दे दोगे आप? आई विल, ऑब्वियसली बात है, दे दूंगा। सैलरी आ जाने तो पैसे दे दूंगा। आई नीड तो हो नहीं सकता था, अगर आप ओट लगाते तो वहां टू आता। शुड, आई शुड, मुझे देना चाहिए। भाई पैसे देना नहीं चाहिए, आपको जरूरत है, आप मांग रहे हो तो मैं दे दूंगा अगर सैलरी मेरी आ जाती है तो। तो ये इसलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आसान था। अगर आप लॉजिक नहीं भी जानते हो, अगर आपको मॉडल के यूज अच्छे से नहीं भी पता है, तो भी आप ऑप्शन में जाके आंसर ढूंढ लीजिए। इसका आंसर कोई कठिन नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर। अच्छा, अब मैं आपको डिटरमाइनर के बारे में बता दूं। देखो, एक तो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इनको भी हम डिटरमाइनर मानते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटरमाइनर के बारे में नहीं पता तो आप एडजेक्टिव का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको डिटरमाइनर स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिटरमाइनर इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ओनली और आर्टिकल। ये पूरा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव का कुछ हिस्सा डिटरमाइनर कहलाता है, जिसमें कुछ शब्द आते हैं। जैसे ये जो वर्ड लिखे हैं ना, मैनी, अ लॉट, फ्यू, सम, एनी, ये डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ अ कार लवर। मतलब ये जो कोई कार लवर, मतलब जिसको कारों से बहुत प्यार हो, अल्टीमेट ड्रीम, उसका एक ड्रीम जरूर होता है। जिसको कारें बहुत पसंद होती ना, उसका एक ड्रीम जरूर होता है, यार अपने पास भी एक रॉयल्स रॉयस कार हो। ये रॉयल्स रॉयस बहुत महंगी कार होती है और बहुत करोड़ों की आती है। इनकी खास बात ये सबको बेचते ही नहीं है, ये कस्टमर के नीड पे नहीं, इनको जिसको बेचना है उसी को बेचते हैं। ये कुछ इस टाइप के लोग हैं, रॉयल्स रॉयस जो कंपनी है। खैर, एनीवे, सो हर ड्रीम लवर, जो अल्टीमेट ड्रीम लवर होता है ना, कार लवर होता है, वो चाहता है कि उसके पास क्या हो, एक रॉयल्स रॉयस हो। तो अब इसका आंसर देखते हैं। अब पहले मैं हटा देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ किसी भी कार लवर के बारे में बात हो रही है। अब किसी भी, मैनी मतलब बहुत सारे कार लवर, अ लॉट ऑफ कार लवर तो हो नहीं सकता था। उसका भी कारण मैं आपको बता दूं, यहां पे कार लवर लिखा हुआ है। कार लवर एक सिंगुलर शब्द है, समझना, कार लवर क्या है, एक सिंगुलर शब्द है। और मैनी क्या बोलता है, मैनी मतलब होता है बहुत। अब चूंकि ये बहुत है तो बहुत सारे कार लवर, तो अगर मैं मैनी लगाऊंगा ना तो इसके साथ नाउन मुझे प्लूरल ही लगानी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। और कार लवर से क्या पता चलता है, सिंगुलर है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अ लॉट ऑफ के बाद भी नाउन जो है वो
प्लूरल वाली ही चाहिए, ये नहीं आ सकता। फ्यू के बाद भी नाउन प्लूरल आई है, ये भी नहीं आ सकता। अब आप देखो, तीन तो ऑप्शन ही गलत हो। एक एनी ऐसा शब्द है जिसके साथ सिंगुलर भी लगता है, प्लूरल भी लगता है। अब अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं भी पता हो ना, और इस एक रूल के दम पर भी मैं इसके आंसर को निकाल लूंगा। कठिन नहीं है, आप इसको लॉजिक को समझ जाओ। भाई फ्यू हमेशा होता है, कुछ कुछ यानी प्लूरल में काम करता है, ऑल आउट ऑफ अधिक प्लूरल में काम करता है, मैनी यानी अधिक प्लूरल में काम करता है, एनी ही तो एकमात्र शब्द है जो सिंगुलर में काम कर सकता है या प्लूरल में काम करता है, तो कोई भी के भी मीनिंग में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, एनी। इट्स नॉट टफ, आई थिंक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कठिन नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा लो वापस। आइए अब एक आया पैरा जंबल, हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट या पैरा जंबल, ठीक है। तो वैष्णवी, उसने सबसे कहा वैष्णवी एक लड़की थी जो अंधी थी, जो देख नहीं सकती थी। इट वॉज दिस एटीट्यूड दैट हेल्प हर प्रिजर्व टू ज्वाइन हर फेवरेट इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ उसका एक एटीट्यूड था जिस वजह से वो अपने सबसे मन के जो उसका इच्छा थी, मैं अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, वो एडमिशन उसके एटीट्यूड की वजह से मिला, हालांकि वो देख नहीं सकती थी। शी हैड नेवर से डाई एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है वो नेवर से डाई वाला है। नेवर से डाई मतलब कभी हार नहीं मानने वाला। और शी एस्पायर टू ज्वाइन IIM बेंगलोर, उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वो IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ज्वाइन करे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बात हो गई, आप क्या करोगे अगर आपको ये जमाना है, इसको कहानी में कॉज एंड इफेक्ट के मेथड से आप समझने की कोशिश करो। मैंने जब प्रीवियस वीडियो समझाया ना, तो कॉज एंड इफेक्ट भी समझाया, तो कॉज एंड इफेक्ट के आधार पे चलो, कौन सी चीज किससे जुड़ेगी, फिर कौन सी चीज किससे जुड़ेगी, है ना। तो जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना, जैसे मैंने कहा मुझे चाय बनानी, समझने की कोशिश करना, मैंने कहा मुझे चाय बनानी है, एक सेंटेंस, दूसरा मैंने चाय पत्ती डाली, मैंने शक्कर डाला, फिर मैंने चाय पी ली। तो अब आप पहले क्या करोगे, पहले चाय पियोगे या चाय बनानी है, सेंटेंस पहले क्या आएगा, पहले चाय बनानी है ना। तो सबसे पहले आपने जो सब्जेक्ट है उसको प्रोमिनेंट बनाना, तो सबसे पहले आपको ये दिखाओगे कि वैष्णवी कौन है, वैष्णवी एक ब्लाइंड गर्ल है। दूसरी फिर बात आती है उसकी इच्छा क्या है, वो IIM बेंगलोर ज्वाइन करना चाहती है। तीसरी बात क्या आती है, क्योंकि IIM बेंगलोर में एडमिशन लेना इतना आसान काम तो है नहीं, ऑल ओवर इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो उसमें एडमिशन लेते हैं। लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो नेवर से डाई था, उसने कसम खा ली थी IIM तो ज्वाइन करूंगी, और सिर्फ उसके एटीट्यूड के दम पे अंततः उसने बेंगलोर ज्वाइन IIM ज्वाइन कर लिया। ये सिंपल सी कहानी है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप समझ जाओगे सबसे पहले क्या हो रहा है। एक मिनट में हटा देता हूं। सबसे पहले बात आई वैष्णवी की, वैष्णवी क्या चाहती थी, मतलब वो एक बेंगलोर जाना चाहती थी। फिर क्या हुआ, उसका एटीट्यूड बहुत गजब का था और अंततः उसने ज्वाइन कर लिया। तो पहले आएगा ए मतलब वन, फिर आएगा बी यानी फोर, फिर आएगा सी यानी थ्री, फिर आएगा डी यानी टू। तो हमारा आंसर होगा वन वन फोर, तो कहीं लिखा नहीं, ये लिखा हाँ थ्री। हमारा आंसर क्या हुआ, थ्री। आई थिंक ये समझ में आया। देखो कॉज एंड इफेक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें कोई हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है, उसने क्या बोला है, उस एक्सप्रेशन को समझ के आपको उसका मीनिंग ढूंढना है। ओके वन सेकेंड, कुछ आंख में चला गया क्या, नहीं। द टू साइड्स, दो तरफ, दो किनारे, दो छोर, नीड टू का कीप टॉकिंग अंटिल दे आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। दो गुट हैं, दोनों गुट आपस में बात नहीं करते हैं, उनको लगातार तब तक बात करनी चाहिए जब तक कि अपने बीच के मतभेद को वो आयरन आउट नहीं कर देते, मतलब खत्म नहीं कर देते। तो अब हमें ये देखना है कि जब तक कि वो खत्म नहीं कर देते या उस समस्या से छुटकारा नहीं पाते, तब तक उन्हें बात आपस में बंद नहीं करनी चाहिए, लगातार बात करनी चाहिए ताकि आपस के मतभेद। तो आयरन आउट यहां पर एक ना एक एक्सप्रेशन है, ये इन्होंने हालांकि कहा, देखो क्वेश्चन वालों ने चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन तो लिखे हैं पर कौन सा हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है वो तो इनने लिखा नहीं है। अब हमें नहीं लिखा तो हमें अपने मन से तो समझना पड़ेगा ना। तो अब तो क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है इसलिए मैंने समझ लिया ये आयरन आउट के बारे में ही कह रहा है, यही एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इधर लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या है, जब दो लोगों के बीच की समस्या खत्म करनी उसकी बात है। टू साइन अ पीस, दो लोग संधि कर लें, नहीं। टू गेट रिड ऑफ
मतलब बातचीत करते करते उसका हल निकालना है। ये आयरन आउट तभी करते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। बेसिक इसका मतलब ये होता है, यहाँ पीस एग्रीमेंट साइन करने की बात नहीं हो रही, गेट रेड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ ये हो सकता है कि देखो गेट रेड इसलिए क्योंकि हम छुटकारा पाना चाहते हैं, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, बार बार आमना सामना ना हो, टू मीट प्रेसिंग डिमांड इमिडिएटली, इसलिए मिलना कि वो जो डिमांड है ना वो खत्म हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं। हम ना दो लोगों के बीच में समस्या है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इस आयरन आउट का मतलब यहाँ पे यही है, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। और इट आइए, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, पढ़ने में तो आ रहा है ना सारे। ओके, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज ऑन हिज वे बैक होम, मतलब जब वो लौटते हुए, जब वो अपने घर आ रहा था तब उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जब वो घर आ रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। दो चीजें हैं, दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़ना है। बीइंग ऑन द वे, अपने रास्ते पर होते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ। व्हाइल ही वॉज ऑन हिज वे, जब वो अपने घर आ रहा था, ऑन हिज वे होम ही मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद ही वॉज ऑन हिज वे, मतलब एक्सीडेंट होते हुए वो अपने रास्ते से अपने घर आ रहा था। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड, वो अपने घर आ रहा था, और ही वॉज ऑन हिज वे बैक होम, और वो अपने घर आ रहा था। देखो ये मीनिंग को डिफाइन नहीं कर पा रहा ये दोनों सेंटेंस। हाँ, बींग ऑन द वे, अपने रास्ते पर होते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, ये थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वाइल का मतलब होता है जब। वाइल का मतलब क्या होता है? जब। तो ये मीनिंग वैसे ही दे रहा है ना, वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, जब वो अपने घर के रास्ते पर था उसका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए सेकंड इसका बड़ा अच्छा आंसर है। कोई डाउट? आइए, सिक्स, राजीव वॉन्ट्स टू वर्क फॉर इंफोसिस। अच्छा भैया, ये जो राजीव है ये इंफोसिस कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, वॉन्ट्स दिखा रहा है। डैश ही इज अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर हिज रोल इन द कंपनी, लेकिन ही इज अनेबल टू मीट, लेकिन इससे पता चलता है सेंटेंस नेगेटिव हो गया, अनेबल टू मीट बोल दिया ना, अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी जो चाह रही थी कि जो क्वालिफिकेशन हो, जो एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो वो चाह रहा है, लड़का चाह रहा है, राजीव चाह रहा है, उसका जो 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 इसका क्वालिफिकेशन हो सकता है मिल लेती है, या एक्सपीरियंस हो सकता है उसका, जो इस काम के लिए रोल है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके पास उस चीजों में कमी है, इसीलिए। तो राजीव वॉन्ट टू वर्क फॉर इंफोसिस, बट, लेकिन, देखो मीनिंग क्या ले रहा है, लेकिन उसके पास वो चीजें नहीं है इसलिए फुलफिल नहीं कर पा रहा। बट ही इज अनेबल टू मीट, ही इज अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट, इसलिए यहां पे क्या आ गया, बट। देन तो लग नहीं सकता था, इसलिए ताकि, और अगर अगर उसके पास रिक्वायरमेंट होती तो ये आंसर। अगर मैं इफ लगाना चाहूं तो मैं बोलूंगा अगर ये रिक्वायरमेंट, अगर ये क्वालिफाई होता उस रोल के लिए तो इसको इसके मन की जॉब मिल जाती, ये वैसा सेंटेंस बनता, पर चूंकि मीनिंग फिट नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देते हैं, हमारे पास अब आंसर एक ही है, बट, और कोई कठिन है भी नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिज माई अंकल लिव्स इन डैश होम फॉर डैश एल्डरली। मेरे जो अंकल हैं वो ही लिव्स इन अ होम, वो घर पर रहते हैं। होम यानी एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो एक वो एक घर में रहते हैं, दा होम तो हो नहीं सकता इसलिए बोलना पड़ेगा, एक ही नाउन है तो ए ही आना चाहिए, एन भी नहीं आना चाहिए, और ऑप्शन में कहीं एन है क्या? हाँ है, पहले ऑप्शन में है, एन होम तो होता नहीं क्योंकि उच्चारण कहां से हुआ, हो यानी एच से, यानी ए आई ओ यू, ये तो आया नहीं, वरना एन आता, एन तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन हटा दो। दूसरा ऑप्शन ए हो सकता है क्योंकि ए ही आएगा, तो दूसरा तीसरा दा की तो हमें जरूरत ही नहीं, दा होम की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद होम फॉर डैश एल्डरली, फॉर एल्डरली मतलब होता है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उस घर में और भी लोग रहते होंगे, उनको देखभाल की जरूरत होगी इसलिए मेरे अंकल उस घर में रहते हैं, ये उसका मतलब है। और एल्डरली दिखाता है उम्र दराज लोग, कि उस घर में पहले से ही उम्र दराज लोग रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मेरे अंकल उस घर में रहते हैं। और एल्डरली दिखाता है एक एज ग्रुप को, एज ग्रुप के साथ हमेशा हम लगाते हैं दा, ये एक रूल है आर्टिकल के, इसलिए हमारा आंसर हो गया पहले वाले में ए, दूसरे वाले में दा, सेकेंड वाला आंसर इसलिए हुआ। गॉट द आइडिया? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं दोस्तों, तो मेरे मिडास एकेडमी के ऐप में मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की है, डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले आप ऐप डाउनलोड कर लेना,
और फिर आप मुझे, मेरा एक नंबर है जो स्क्रॉल में दिख रहा होगा 76928 वाला, उस पर आप मुझे कॉल कर रहा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे एडमिशन लेना, ठीक है। तो चलिए अभी पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश सुपर मून, ये सुपर मून क्या होता है, जब ना ये सबसे बड़े रूप में होता है, पृथ्वी के नजदीक होता है, तो सुपर मून अकर्स वैन, सुपर मून कब होता है, डैश वैन डैश मून्स ऑर्बिट इज एट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब मून अपनी दूरी में सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, एंड एट डैश सेम टाइम इट इज फुल, और उसी टाइम पर उसका फुल भी होना जरूरी होता है। अब देखो सेम जब वर्ड आए ना, एक ट्रिक याद कर लो, आ सेम कभी होता ही नहीं है, एन सेम कभी, जब भी सेम शब्द आए तो क्या लगाएं, सेम दा के साथ लगाएं, हमेशा रूल याद कर लो, दा हमेशा सेम के साथ होगा। और यहां पे क्या लिखा है, मून्स ऑर्बिट, ऑर्बिट तो ठीक है नाउन है, लेकिन बात किसकी हो रही, मून की, चंद्रमा की। यहां पर भी सुपर मतलब वो वाला रूल है कि जब कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को दिखाना हो तो दा इधर भी आएगा। अब यहां पे दो दा की कंडीशन बनती है, पहले ये देख लो दो दा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कहीं पे, ये यहाँ पे दो दा मिल रहे हैं, यहाँ दा, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये दोनों गलत हो गए, देखा जाए तो तीनों गलत होते हैं, ठीक है, दो दा किसी में बन नहीं रहे। और सुपर मून, यहाँ पे जो सुपर मून है, जो सुपर मून की जो घटना है, वो एक घटना है, वो तब घटती है ऐसा उसने कहा, इसलिए यहाँ ए भी आना चाहिए, अ सुपर मून, एक जो सुपर मून की घटना तब घटित होती है जब वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और फुल होना चाहिए, ये इसका आंसर है। हम पहले ऑप्शन को दोस्तों अगर छोड़ भी देना कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर होते तो आंसर एक ही बार में मिलता। आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखो, जब भी सेम लगाओ, और मैं सेम क्या, मैं तो कह रहा हूं ओनली आएगा ना, तब भी दाई लगाना, द ओनली, द सेम, द सच, ये सारे वर्ड वैसे फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स रूल है, इसलिए कंफ्यूजन होने की कोई बात है ही नहीं। आइए देखते हैं, ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम का मतलब समझते हैं पतझड़ का मौसम होता है, ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम यानी पतझड़ के दौरान, ड्राइड रेड लीव्स, सूखी लाल पत्तियां, डैश फ्रॉम द ट्रीज, मतलब वो पेड़ों से क्या हो जाती हैं, शायद झड़ जाती हैं, एंड डैश ग्राउंड बिलो, और नीचे गिरती हैं पेड़ों से, और ऐसे शायद फैल जाती होंगी, मतलब पेड़ से ऐसे पत्ती गिर के यहां वहां पड़ी रहती हैं। तो ऑप्शन देखो, लिटर वर्ड आया ना, लिटर का मतलब वो ऐसे ऐसे फैला हुआ होना, ऐसे, तो लिटर का मतलब होता है कोई भी चीज फैली हुई पड़ी है, आपके कमरे में भी अगर चीजें पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स फैले, कागज फैला, तो आप बोलोगे द डॉक्यूमेंट्स आर लिटरिंग ओवर, है ना, तो लिटर का मतलब होता है फैला हुआ होना, तो पेड़ों से लाल पत्तियां, सूखी पत्तियां गिरती हैं और यहां वहां फैल जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या बोल रहा है सेंटेंस, पहले मैं सारा हटा देता हूं। ओके, ड्यूरिंग ऑटम ड्राई रेड लीव्स, लीव्स है प्लूरल, लीव्स अब गिरती हैं, गिर जाती है ना, तो लीव्स ये एक परमानेंट हैबिट है, ये आज से नहीं हो रहा, जब से अनादिकाल से इस प्रकृति में पेड़ बने हैं तब से पत्तियां, पेड़ बनता है, पत्तियां गिरती, पेड़ बनता है, पत्तियां गिरती, ये एक दिन की घटना नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, और यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे लिखा जाता है। मैं लिख देता हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही लिखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पे चलना है। तो लीव्स क्या है, प्लूरल है, लीव्स क्या है, प्लूरल है, लीव्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है लीव्स प्लूरल, तो यहां पे वॉज फॉलिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर लीव्स होता तो तब भी यहां पे क्या आता, वर आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। जब पत्तियां गिरती गिरेंगी, फ्यूचर तो कोई लेना देना नहीं है, फॉलिंग, अब आपने फॉलिंग लगा भी लिया इधर, फॉलिंग अगर आप लिखोगे तो इसके पहले एजेमआर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ये आंसर भी गलत। अब आप कुछ भी मत करो तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप आंसर बनता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिक भी वही है, और हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखना है, लीव प्लूरल है तो फॉल प्लूरल है, ट्रीज प्लूरल है तो लिटर प्लूरल है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों, डाउट वाउट कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट को समझ लीजिए तो एक एक बार में आंसर मिलता है, और मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अभी तो 10 क्वेश्चन और है, देखते हैं, आइए। हर माइंड शोड, उसके दिमाग ने बताया, एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एजिलिटी इज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके मतलब पहले सबके मीनिंग को समझते हैं, हर यानी उसका, माइंड यानी दिमाग, शो यानी दिखाना, इनॉर्मस यानी अधिक मात्रा में होना, इनॉर्मस यानी अधिक मात्रा में होना, अमाउंट यानी मात्रा,
इनॉर्मस यानी अधिक, एजिलिटी यानी होता है चपलता, तत्परता, खटाखट किसी काम को करने के लिए, जैसे जिमनास्ट होता है, जो जिमनास्टिक नहीं करते हैं लोग, उनकी जो बॉडी होती है वो एजाइल होती है। बिल्ली की जो शरीर होता है वो एजाइल होता है, मतलब फुर्तीला होता है। तो एजिलिटी मतलब उसके दिमाग ने फुर्ती दिखाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर उसने क्या कहा, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट मीनिंग इन द हाईलाइटेड। भैया कोई हाईलाइटेड वर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा दिमाग लगाइए। व्यापम वालों ने बच्चों को परेशान किया, इसके पूरे फॉन्ट को आप देख लो मेरे भाइयों, इसमें सारे एक ही फॉन्ट पे लिखे, कहीं कोई बोल्ड दिख रहा है क्या आपको, हाईलाइटेड दिख रहा है क्या आपको, नहीं। लेकिन अगर आप हाईलाइट करना चाहो तो ये वाला जो शब्द है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये शब्द हाईलाइट करता है इसको, ठीक है। तो एजाइल मतलब होता है चपलता, तत्परता, फटाफट काम करना। तो इसका उल्टा, ऑपोजिट बोला ना उसने, इसका उल्टा वर्ड हमें ढूंढना है। तो एजाइल का उल्टा क्या होता है, इनर्ट। एजाइल मतलब चपलता, इनर्ट यानी जो रुक कर काम करता है, एकदम से काम नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, एकदम से काम नहीं करता। लाइवली यानी जीवंत, फ्लीट यानी मूव करना, एड्रॉइट यानी होता है किसी काम में निपुण। और हमारा जो सेंटेंस है वो एजाइल पे है, चपलता, तो इसका ऑपोजिट होगा लेजी, रुका हुआ। इनर्ट को आप समझते हो, इनर्शिया। ये इनर्ट वर्ड कहाँ से आया, इनर्शिया से आया। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, जड़त्व का सिद्धांत आपने सुना होगा ना। तो इनर्ट, इनर्शिया से, इनर्ट से ही इनर्टनेस बना दिया उन्होंने। तो एजाइल चपल, इनर्ट जड़त्व, ये एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसमें हाईलाइटेड नहीं था। नेक्स्ट डैश री इलेक्शन, द रीडर, द लीडर वर्कड हार्ड हिज पीपल। जब री इलेक्शन होते हैं, पुनः इलेक्शन मतलब चुनाव होते हैं, तो जो लीडर होते हैं वर्कड हार्ड डैश पीपल, अपने लोगों के लिए नेता बहुत मेहनत करते हैं। जब दोहरे चुनाव, पुनः चुनाव होते हैं, उन्हें पता है पहले चुनाव में तो कुछ किया नहीं, खाली नेतागिरी करी, अब जब पुनः चुनाव होंगे तो हार जाएंगे, इसलिए दिखाने के लिए वो अधिक मेहनत करते हैं अपने जनता के लिए। तो जनता के लिए बोल ही रहा है तो आंसर तो फॉर होगा ही होगा। दे वर्क किसके लिए काम करते हैं, भाई हमारे संविधान की लाइन भी क्या है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना, जनता के लिए, जनता से, जनता का, ये जो मीनिंग है। तो फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। तो ऑप्शन में क्या है, फॉर कितनी जगह लिखा पहले ये देख लो, यहां लिखा बिटवीन गलत, बिटवीन विद इन गलत, फ्रॉम गलत। अब अगर तीन मैंने वैसे भी गलत कर दिए तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन है फॉर का, यही आंसर वैसे ही हो जाता। अब अपन फिर भी एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पुनः री इलेक्शन के बाद, जैसे ही प्री इलेक्शन होते हैं ना उसके बाद, क्योंकि उन्हें पता अगले दिन में फिर चुनाव थोड़े दिन में होंगे, तो आफ्टर री इलेक्शन, पुनः चुनाव के बाद नेता अपने लोगों के लिए अधिक मेहनत करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब चुनाव होगा तो वो हार जाएंगे। आइए, इतना कठिन नहीं है पेपर, बहुत मैं क्या बोलूँगा, लड्डू टाइप का पेपर है ये। अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो तो, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो दोस्तों दिक्कत है, ये पेपर कठिन है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये ऐसे पेपर तो आप यूँ उड़ा दोगे, खटाखट बनेंगे। न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूज़पेपर को भी आजकल पढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी रेगुलर वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़े दिन में मैं रेगुलर वीडियो भी करूँगा, पर फिर भी हफ्ते में तीन पेपर तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो, पेपर पढ़ना कैसे, समझना कैसे। चलिए एनीवेज क्वेश्चन देख लेते हैं। मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज, कि मारुति जो है वो एवरीडे मतलब रोजमर्रा के जीवन, रोज के कार के लिए एक बहुत अच्छी कार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां लिखा हुआ बेस्ट, उसने कहा सही ऑप्शन, इनमें से सही ऑप्शन चुनिए। तो ये जो बेस्ट है ना, ये है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है पहले, ये फिक्स नियम है। रवि इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो पहले आप द को देखो, इसमें लिखा नहीं है, मतलब ये तो गलत ही है। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें द कितने में लिखा है। ओके, यहां द है, यहां पे द है, यहां ए आ गया गलत, यहां तो आया ही नहीं, ये गलत। तो तीसरा अपने जीवन से हटा दीजिए, चौथा भी अपने जीवन से हटा दीजिए। आपके पास ले देखे केवल दो ऑप्शन बचे हुए हैं, कौन से दो ऑप्शन बचे हैं, 1, 2, ठीक है। अब अपन देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। मारुति दोनों सेम है, इज द बेस्ट कार फॉर, यहां आर्टिकल आ गया, यहां आर्टिकल नहीं आया,
एवरीडे यूज। अब आप देख लो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीडे, ये एवरी से बने वर्ड हैं, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी जनवरी, एवरी वीक, जो भी आप है, इन शब्दों के पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा इसलिए भी गलत हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको ये नियम ही नहीं पता था आज के पहले, तो भी आप थोड़ा दिमाग लगा लिए। देखो मैं सब हटा रहा हूं, फिर से एक और ट्रिक बता दे रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। यहां क्या लिखा है, एवरी, क्या लिखा है, एवरी, ए ई आई ओ यू, इनको आपने सुना है? हाँ सर सुना है। इन्हें क्या कहते हैं? सर वॉवल कहते हैं। वॉवल के पहले क्या आता है? एन आता है सर। यहां क्या लिखा हुआ है? ए आता है। ए क्या है? कॉन्सोनेंट है सर। कॉन्सोनेंट कब आता है? जब ए ई आई ओ यू वाले शब्द नहीं होते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, यहां एवरी लिखा है जो कि एक वॉवल से शुरू होने वाला शब्द था। अगर ये वॉवल से भी शुरू होता तो भी एन लगाने की गुंजाइश तो फिर भी नहीं बनती, और वहां उसने ए लगा दिया, तो अब तो आंसर वैसे भी गलत था। तो कई रीजन थे आपके पास इस आंसर को हटाने के, इसलिए अब आपके पास आंसर आ गया, बना आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। दे हैंडेड हर अ चेक, उन्होंने उसको चेक दे दिया। दे हैंडेड हर, लड़की है, अ चेक, उन्होंने उसको चेक दिया, तो उसको चेक दिया, ठीक है, उनके द्वारा। तो देखो यहां पर आपके पास एक बड़ा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। ये पैसिव वॉइस तो आप समझ रहे हो, यहां पे मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। दे क्या है इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट, हैंडेड क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब है, हर लड़की के लिए, चेक भी लड़की के लिए, मगर इस क्वेश्चन में एक खास बात, इसमें एक नहीं दो ऑब्जेक्ट यूज किए गए। क्या है? एक नहीं दो ऑब्जेक्ट। ये हर है, ये एक ऑब्जेक्ट नंबर वन है, और ये चेक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है। अब आपके पास ऑप्शन, आप देखो, जैसे आपने कहा आई, वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा सुधारता हूं और समझने की आप कोशिश करना, मैं बिल्कुल बेस बता रहा हूं आपको, ठीक है। आई गेव मनी, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। मनी, मनी वॉज सेकेंड फॉर्म है ना, वॉज गिवन बाय मी, ये हो गया। अब आप देखो इसी क्वेश्चन को, आई गेव मनी टू हर, तो आप इससे बना सकते हो हर से। कैसे बनेगा ये हर वाला आंसर? हर वाला आंसर देखो, मैं कलर चेंज करके बना रहा हूं, हर से बनाना है मुझे। तो शी वॉज गिवन मनी बाय मी, पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इस आंसर को देखो आप दो तरीके से बना सकते हो, मतलब इसका जो आंसर है वो मनी से भी बन सकता था और हर से भी, शी से भी बन सकता था। यही ट्रिक उसने यहां पे करी है, इसके क्वेश्चन के आंसर को उसने चेक से भी बना लिया और आपको बेवकूफ या आपको डराने के लिए उसने शी से भी बना लिया। अब ऑप्शन आपके हाथ में है, इन दो से लेके चलना है कि इन दो को लेके चलना है, ठीक है। अब आपने सोचो, इन दो को लेके चल सकते हो या उन दो को लेके चल सकते हो, कौन सा आंसर सही? तो एक बात याद रखना, जो होता है मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो है, मेरे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट दो है, मनी ऑब्जेक्ट वन है और हर ऑब्जेक्ट टू है। तो जब भी आपको ये फाइंड आउट करना हो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन में, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आंसर निकालना हो
तो हमेशा आप जाना पहले मेन ऑब्जेक्ट पे। इसके दो ऑब्जेक्ट में मुख्य ऑब्जेक्ट कौन सा है? उसने क्या दिया? चेक दिया। किसको दिया? उसको दिया। तो रिसीव किसने किया? वही तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना भाई। एक्शन में किस पे आएगा? व्यक्ति पर एक्शन आएगा मेन पहले, फिर वर्क पे आएगा। तो जब पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा पर्सन वाले पे लेके चलना। और जो निर्जीव चीजें वाली है, मतलब जैसे चेक वेक लिखा हुआ या इस टाइप की चीजें, अगर पर्सन के साथ कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, पर्सन के साथ कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो पर्सन वाले क्वेश्चन से आंसर बनाना, ऑब्जेक्ट वाले से मत बनाना। मतलब मनी वाले को इंपॉर्टेंस मत देना, आप इंपॉर्टेंस देना हर वाले को। ये वाला आंसर ज्यादा अच्छा माना जाता है एग्जाम के नियम के अनुसार। ठीक है, मैं पूरा हटा रहा हूं, अब आप फिर से देख लो एक बार। तो यहां पे आ गया हर, यहां पे आ गया चेक। मैंने कहा चेक से भी बनेगा और हर से भी बनेगा, तो चेक वाले आंसर को आप छोड़ दो, क्योंकि उसने क्वेश्चन चार अलग अलग पैटर्न पे बना के दे दिए। अब यहां पे लिखा है दे, ठीक है, शी, और यहां पर जब बाई या टू वाले जो आंसर होते हैं, बाई टू, इनको भी वैल्यू कम देना चाहिए पैसिव वॉइस में। मैं आगे बता देता हूं। तो शी वॉज हैंडेड अ चेक, उसको चेक दिया गया। शी वॉज हैंडेड टू देम, मीनिंग ही बिगाड़ दिया, उसको उन्हें दे दिया। भैया चेक कहां गया? उस लड़की को उनको दे दिया, लड़की को उनको नहीं दिया, लड़की को चेक दिया। चौथे का तो मीनिंग ही बिगड़ गया। ऐसा नहीं करना भैया, प्रभु ध्यान रखना, मीनिंग ना बिगड़े कभी सेंटेंस का, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये वाला गलत हो गया, आंसर क्या हो गया? फ्री। मीनिंग को पकड़िए, मीनिंग को पकड़िए। और अगर आप मान लेते ये चीज नहीं जानते तो भी आप एक बात बताओ, देखो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का मीनिंग देखो, अ चेक इज हैंडेड टू देम, अ चेक इज हैंडेड टू देम, चेक उनको दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है? वो लड़की को चेक दे रहे हैं, और मीनिंग फर्स्ट वाले का क्या है? उनको ही चेक दे दिया, उन्होंने चेक दिया है, उनको चेक नहीं दिया गया, तो फर्स्ट का तो मीनिंग भी बिगड़ता है। अ चेक वॉज हैंडेड टू देम, अरे भैया इसमें लड़की आती है, चेक वॉज हैंडेड टू हर, ऐसा भी होता तो भी समझ में। लेकिन एक और खास बात, एक और खास बात, चेक वॉज हैंडेड टू देम, इसमें लड़की कहाँ है? लड़की है ही नहीं ना, इसलिए ये भी मीनिंग से भी गलत होता है। मैंने तो एक ट्रिक बता भी दी, फिर भी आपको मीनिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है। गॉट इट? चलिए, इतना कठिन नहीं है, लेकिन एग्जाम है, एक एक चीज मायने रखती है दोस्तों। एक मार्क्स पॉइंट से लोगों को मैंने फेल होते देखा है, पॉइंट से, मार्क्स एक नंबर भी नहीं, एक नंबर। जैसे मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर है, और किसी के नंबर है 61.6, किसी का नंबर है 61.8, तो ये 0.6 0.8 में ना कम से कम 1000 बच्चे गायब हो जाते हैं। इसलिए एक एक मार्क्स, आधा आधा मार्क्स भी आपके करियर को संवारने और बिगाड़ने में मायने रखता है। क्वेश्चन की गंभीरता को समझना। मैं टाइम पास करके नहीं पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, और वही समझाता हूं कि ऐसे समझो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गंभीरता को देखिएगा, एग्जाम इंग्लिश एग्जाम में मायने रखती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर स्टूअर्ट, ये नाम है व्यक्ति का, मीनिंग ढूंढने मत बैठिएगा डिक्शनरी में। वॉज इलेक्टेड, ये वॉज वेयर लगा है ना, वॉज या वर के साथ लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये आंसर जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये तो ट्रिक है, चेयरमैन। तो समबडी वॉज बींग, देखो इसका आंसर होगा सब्जेक्ट वेज वी टू प्लस ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न से। यहाँ लिखा वॉज बींग इलेक्टेड, ये वॉज बींग तो कभी आएगा नहीं। वर इलेक्टिंग, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। स्टूअर्ट इलेक्टेड द चेयरमैन, और वी इलेक्टेड मिस्टर स्टूअर्ट चेयरमैन। अब यही दो ऑप्शन है जिसमें वी टू आंसर है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया। नहीं समझ में आया हो तो देख लो, आई एट मैंगो, ऑप्शन आंसर है मैंगो वॉज ईटन बाय मी। जब ये वॉज ईटन है तो ये बदलता है एट में, तो अगर एट लिखा है तो ये किस में बदलता है? वॉज थर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन में वॉज थर्ड फॉर्म आ गई, क्वेश्चन में ये आ गया, तो आंसर किस में बदलेगा? सेकेंड फॉर्म में। इसलिए दो ऑप्शन हैं, दो हट गए। गॉट द आइडिया? अब आप आंसर देखिए, यहां पर स्टूअर्ट इलेक्टेड द चेयरमैन, यानी स्टूअर्ट ने चेयरमैन को
इलेक्ट किया, और दूसरे चौथे ऑप्शन का है वी इलेक्टेड मिस्टर स्टीवर्ट चेयरमैन, हमने मिस्टर स्टीवर्ट को चेयरमैन सिलेक्ट किया। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, स्टीवर्ट ने चेयरमैन को इलेक्ट किया जबकि यहां पर मिस्टर स्टीवर्ट ही चेयरमैन सिलेक्ट हुए। क्वेश्चन क्या, मिस्टर स्टीवर्ट वॉज मतलब चेयरमैन कौन बना, स्टीवर्ट बने। इसमें स्टीवर्ट इलेक्टेड द चेयरमैन में स्टीवर्ट ने चेयरमैन को इलेक्ट किया लेकिन स्टीवर्ट चेयरमैन नहीं बने। तो हमारा ये जो सेंटेंस का मीनिंग है और ये जो क्वेश्चन का मीनिंग है ये बिगड़ गया, हमारे पास चौथा आंसर सही। अरे ओके, बन रहा है आप लोगों को, बन रहा है, डोंट वरी। नेक्स्ट, थ्री फोर्थ ऑफ द बिजनेस, थ्री फोर्थ मतलब किसी चीज का 3/4, थ्री फोर्थ ऑफ द बिजनेस, ये जो 3/4 1/3 होता है ना, ये इनको अनकाउंटेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल, 1/4 2/3 ये अनकाउंटेबल हैं। और ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो 3/4 ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन देखो आर वर विल इज, चार ऑप्शन है। आर कभी जीवन में नहीं आ सकता क्योंकि 3/4 अनकाउंटेबल सिंगुलर है, प्लूरल आंसर होगा नहीं, वर आंसर होगा नहीं। एक बार में दिमाग से हटा दो, कचरा साफ करिए। अब दूसरा देखो, या तो विल आएगा या इज आएगा। अब विल लेफ्ट द यंगेस्ट, 3/4 ऑफ द बिजनेस, 3/4 बिजनेस जो है वो बिजनेस यंगेस्ट लड़के के लिए छोड़ दिया गया, जाएगा नहीं गया, वो जो भी हुआ वो रीजन, तो इज लेफ्ट उनके लिए छोड़ा गया है, इज लेफ्ट छोड़ दिया जाएगा, फ्यूचर का तो ये सेंटेंस ही नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक, इसलिए आंसर गलत। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, बनने लगा है आप लोगों को, वैसे थोड़ा नीचे कर दो। डैश एवरी एफर्ट ऑन में फेल, कितने भी प्रयास किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए मगर फेल हो गए। इन स्पाइट ऑफ, पहले देखो इस क्वेश्चन को, इन स्पाइट ऑफ डबल एफ आ गया, इन स्पाइट ऑफ ये लिखा जाता है सही, इन स्पाइट ऑफ, यहां पे डबल एफ है ना, ये गलत हो गया, इन स्पाइट ऑफ ये सही लिखा है। ये एक साथ मैंने यहां पे जो लिखा था वो इसमें गैप नहीं बताया आपको, बता देता हूं मैं, इसमें गैप बना लीजिएगा थोड़ा सा, वो लिखने में ऐसा लिखा जाता है इन स्पाइट ऑफ। अब ठीक है, अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ गया, हाँ सॉरी, इन स्पाइट ऑफ गलत, ये इन और स्पाइट के बीच में गैप है, हाँ है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है और ये डबल एफ वाला आंसर होगा नहीं। इन इन स्पाइट वर्ड है, इन स्पाइट ऑफ, इसी के जैसे मिलता जुलता वर्ड होता है डिस्पाइट, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है लेकिन डिस्पाइट में कभी ऑफ नहीं लगाते, बस इतना ध्यान रखना। के बावजूद, हिंदी मीनिंग क्या है, के बावजूद, इंस्पाइट, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो असफल हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा, इंस्पाइट ऑफ, सिंपल है। पेपर पढ़िए, ये सब वर्ड आपको रोज मिलने लगेंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस असाइनमेंट डैश इज कंप्लीट एंड नीड्स टू बी फिनिश्ड एट वंस, ये असाइनमेंट जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये अभी खत्म नहीं है बेसिकली, और इसको जल्दी खत्म करना है। अब आपको प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय में जो पहले लगाया जाता है जिसको उपसर्ग कहते हैं। तो असाइनमेंट इज क्या, मिस कंप्लीट, आप खुद बताओ कंप्लीट का क्या लिखते हो, इनकम्प्लीट लिखते हो ना, आज तक क्या लिखते हो, कंप्लीट इनकम्प्लीट, तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मिस कंप्लीट प्री कंप्लीट तो है नहीं, आंसर क्या होगा इनकम्प्लीट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, ये आपके बचपन से आपको ये पता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नरेशन पे हम आ गए हैं, नहीं नरेशन नहीं है सॉरी, पंक्चुएशन है, मुझे लगा नरेशन है, एक मिनट पढ़ लिया। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट, पंक्चुएशन समझते हैं, चिन्ह साइन ये जितने भी होते हैं ना, कॉमा कोलन सेमी कोलन सिंगल इनवर्टेड डबल इनवर्टेड एक्सक्लेमेटरी, इस टाइप के जो चिन्ह होते हैं इनके लिए यूज किया गया है। अब आपको देखना है, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस सेड द कस्टमर, ये जो सेड द कस्टमर है ना ये हिस्सा अलग हो गया, और उसने साथ ही साथ क्या किया, क्वेश्चन भी पूछा कि क्या मुझे 5 किलो चक्कर मिल सकती थी, तो ये क्वेश्चन भी है और नैरेटिव में उसने बनाए हैं सारे आंसर।
अब देखना ये है करना क्या होगा। कस्टमर जो कहता है वो आपने जब नरेशन लिखते हो ना, तो एक होता है रिपोर्टिंग, एक होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग तो सीधे लिखा जाता है, रिपोर्टेड को लगाया जाता है इन्वर्टेड कॉमा में। ये जो प्रश्न पूछने वाला हिस्सा ये रिपोर्टेड का है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे कुड आई हैव अ 5 किलो, क्या मेरे पास 5 किलो पैक ऑफ राइस है। 5 किलो और पैक ऑफ राइस के बीच में हम कभी गैप लगाते हैं, भैया 5 किलो शक्कर दे देना, भैया 5 किलो शक्कर दे दो, सीधे सीधे बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या है, 5 और पैक, किलो और पैक के बीच में गैप क्यों लेना, नो नीड, उसको छोड़ दो। दूसरा, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, भैया इधर इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, इसने बाहर लगा दी, ये भी गलत हो गया। फिर देखते हैं, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस सेट द, पूरा ही पूरा ले लिया भैया, नरेशन बना रहे हो आप इसके अंदर पंचुएट में, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड ही गायब है, ऐसा तो नहीं होगा। यहां देखो, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस, हाँ क्वेश्चन भी था क्योंकि प्रश्न पूछा तो क्वेश्चन मार्क आया, इन दोनों को उसने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, सेड द कस्टमर आ गया हमारे पास। आज तक आसान था, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान बन गया। डाउट नहीं ना, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, हाउ डैश पीपल अर्न देयर लिविंग वेन देयर डैश सो मच स्नोफॉल ऑल ईयर अराउंड, जब यहां पूरे साल भरी बर्फ गिरती रहती है तो कैसे लोग यहां पे अपना जीवन यापन करते हैं पूरे साल, ईयर अराउंड, ठीक है। हाउ डैश पीपल, अब सबसे पहले आपको ये शब्द पे पकड़ बनानी, पीपल होते हैं प्लूरल, पीपल होते हैं प्लूरल, हाउ, हाउ के साथ, हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ आर, हाउ डज, ये वाले वर्ड आते हैं, हाउ डू, डिपेंड करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा गया, पीपल, पीपल होते हैं प्लूरल, वर्ब लगेगी प्लूरल, तो हाउ के साथ पीपल डज तो हो नहीं सकता क्योंकि डज है वर्ब की पहली फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब में, ये सिंगुलर पांचवी फॉर्म है सॉरी, और ये सिंगुलर मानी जाती है, जैसे डू, डिड, Done, doing, does, पांचवी फॉर्म सिंगुलर होती है, पहली फॉर्म प्लूरल होती है और पीपल प्लूरल है तो does आएगा नहीं। How are people earn? अगर आर लगाना है ना तो यहां अर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, या अगर आर भी लगाना है तो अर्न ना करके आपको अर्निंग करना पड़ेगा तब भी ये सही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। और हाउ हैव पीपल, अगर आप हैज हैव हैड की कंसेप्ट जानते हो तो इसके बाद आती है थर्ड फॉर्म, तो अर्न होना चाहिए था और डू के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत खिचड़ी पक गई है, मैं सारा हटा देता हूं यहां पे। अब देखिए, डू है, डू के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर के साथ आती है आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, और डस के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। ये अर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही है और ये सही है, लेकिन अर्न के साथ पीपल है, पीपल प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की होगी, इसलिए आंसर क्या हो गया, डू हो गया, डस नहीं होना चाहिए। गॉट इट, क्रैक इट, आइए बनना चाहिए। आप बोलो वाह मजा आ गया सर, क्या समझ में आया है पहली बार पेपर, बस मैं इतनी चाहता हूं समझ में ऐसा आ जाए पानी की तरह की, डाउट ना हो। और आइए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, जेल प्रेरी के आखिरी पेपर के आखिरी क्वेश्चन में। माय सिस्टर, मेरी बहन, हैज ऑफर्ड टू डैश माय पेट डॉग व्हाइल वी वर अवे ऑन हॉलीडे। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुम जो उनके घर में डॉग पला है उसका ध्यान रख लेना जब हम कुछ लोग बाहर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अब टू क्या, लुक इनटू का मतलब होता है देखभाल नहीं होता, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल, लुक थ्रू मतलब किसी चीज के आर पार देखना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक एट का मतलब होता है दशा दिशा देखना, भैया क्या हाल बना रखा है, लुक एट योर क्लोथ्स, लुक एट योर रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट लाए हो, लुक एट, लुक थ्रू आर पार, लुक इनटू यानी जांच पड़ताल, नाउ सीबीआई विल लुक इनटू द केस, यहां पे लुक इनटू ने भैया डॉग की देखभाल करना, सिंपल सी बात है, तो लुक आफ्टर आ गया इसका आंसर, इसमें तो कुछ कठिन था नहीं आया समझ में, आ गया होगा क्योंकि मीनिंग को है, ये सब फ्रेजेस फॉर्म है, फ्रेजल फॉर्म है, अच्छे से याद करिए।
आई थिंक आपको इंग्लिश का पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, 5 बार वीडियो देखिए, मगर एग्जाम के दिन नंबर नहीं कटने चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आपको डिटेल में 2 महीने के अंदर आपके पास टाइम है, 2 महीने में इंग्लिश कंप्लीट करनी है, मेरे ऐप पे मैंने लाइव क्लास वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ऐप डाउनलोड करिए माइडियस एकेडमी का, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। एक नीचे स्क्रॉल में मेरा नंबर चल रहा है 7692846703, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मुझे कॉल करिए। सपोज कभी फोन पिक नहीं होता तो भी मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, आपको प्रोसेस बता दूंगा। 700 रुपये फीस मात्र है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, पूरी ग्रामर की क्लास डिटेल के साथ मिल जाएगी, प्लस असाइनमेंट में कई सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस 10 मॉडल पेपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। बस मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन आपका, वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, नए एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।